गाइज, आई एम राकेश, यू वॉचिंग नर्सिंग ट्रेंड्स। गाइज, मॉक टेस्ट का पार्ट सेकंड लेके आ गया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एम्स कम्बाइंड एग्जाम, पीजीआई, जिपमर, जीएमसीएच, हिमाचल प्रदेश एसएससी, केरल पीएससी, यूपी एनएचएम आदि में बहुत ही यूजफुल साबित हो रहे हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें, साथ साथ सभी नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, मायोपिया इज करेक्टेड बाई, मायोपिया को कौन सा लेंस लगाकर ठीक किया जाता है? बाईफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर बाई कॉनकेव लेंस। तो गाइज, यहाँ पे जो मायोपिया है इसको बाई कॉनकेव लेंस लगाकर ठीक किया जाता है। ऑप्शन डी है वो राइट हो जाता है। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष भी इसको कहा जाता है। इसमें होता है ए कंडीशन इन विच क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपियर क्लियरली बट फार वंस डजेंट, यानी जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो एकदम साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो साफ दिखाई नहीं देती है। ये होता है मायोपिया। यहाँ पे डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाया गया है, ये नॉर्मल आई का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है और इसमें यहाँ पे जो लेंस है आई का, उसके द्वारा किरणें अंदर जा रही है आई के अंदर, और उनका जो फोकस है वो यहाँ पे क्लियरली रेटिना पे हो रहा है, तो अपने को साफ साफ दिखाई देता है। ये होती है नॉर्मल सिचुएशन। लेकिन मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में सिचुएशन ये होती है कि यहाँ पे लेंस के द्वारा जो किरणें यहाँ पे गुजरती है, लेंस के कारण, लेंस के द्वारा उनका जो फोकस है वो रेटिना पे नए होकर रेटिना से पहले ही हो जाता है। इस वजह से निकट की चीज़ें हैं वो तो साफ दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो साफ दिखाई नहीं देती है। और अगर अपने यहाँ पे बाई कॉनकेव लेंस लगा दे तो यहाँ पे जो लाइट जो गुजरती है इसके लेंस के द्वारा, उनका जो फोकस है वो यहाँ पे रेटिना पे हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होगी। आई होप आप सारी कंडीशन समझ गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट, मम्स के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो किसको रोक सकता है? हाइड्रोसिल, ओरकाइटिस, वेरिकोसिल या फिर अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो गाइज, यहाँ पे जो मम्स है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है ओरकाइटिस, तो अगर मम्प्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो इससे ओरकाइटिस है वो रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल और यहाँ पे अनडिसेंट टेस्टिस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरकाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ जो टेस्टिस है उनका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको ओरकाइटिस कहा जाता है। वेरिकोसिल क्या होता है? वेरिकोसिल का मतलब होता है कि टेस्टिस को सप्लाई करने वाली जो वेन्स है उनमें इनलार्जमेंट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे इनलार्जमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है टेस्टिस को ब्लड सप्लाई करने वाली वेन का, इस वजह से ब्लड की जो सप्लाई है टेस्टिस को वो प्रभावित होती है और वो स्टरिलिटी हो सकती है। उसके बाद में सिचुएशन आती है हाइड्रोसिल की। हाइड्रोसिल इसका मतलब होता है कि जो स्क्रोटम सेक है, स्क्रोटम, उसमें वाटर फिल हो जाता है, फ्लूड फिल हो जाता है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन है वो आपको दिखाई देता है। एंड लास्ट जो कंडीशन है वो होती है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का दूसरा नाम है वो अनडिसेंडेंट टेस्टिस भी होता है, जो ऊपर ऑप्शन में दिया गया। इसका मतलब होता है कि जो टेस्टिस है वो इंग्विनल केनाल में ही बने हुए हैं, स्क्रोटम में आए नहीं है, ये अनडिसेंट टेस्टिस होते हैं। जो बच्चे नॉर्मल टर्म पे जन्म लेते हैं यानी 37 वीक या इसके बाद में जन्म लेते हैं उनमें 3% केसेज में अनडिसेंडेंट टेस्टिस यानी क्रिप्टो ऑर्किडम देखा जाता है, और जो प्री टर्म बर्थ होता है उनमें 30% केसेज में यहाँ पे अनडिसेंडेंट टेस्टिस है वो देखा जाता है। और लगभग एक साल में जन्म के 1 साल में 90% केसेज में है वो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म यानी अनडिसेंडेंट टेस्टिस है वो ठीक हो जाता है, यानी ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सेक में यहाँ पे आ जाते हैं। और एक चीज यहाँ पे और पूछी जाती है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के बारे में, अनडिसेंट टेस्टिस के बारे में, कि फीटस में जो टेस्टिस है ये कब डिसेंड होते हैं, यानी फीटस में शुरुआत में ये इंग्विनल एब्डोमिनल केनाल में, इंग्विनल केनाल में ही बने रहते हैं, लेकिन स्क्रोटम सेक में कब हो ये आना स्टार्ट होते हैं? तो 7th मंथ यानी 28 वीक्स या इसके बाद में है वो जो स्क्रोटम है वो नीचे डिसेंड होते हैं,
सॉरी टेस्टिस है वो स्क्रोटम सेक में नीचे डिसेंड होते हैं, ये चीज भी याद रख लेनी है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन थर्ड है, रेगुलेशन ऑफ पीएच विद इन द बॉडी इज डन बाई, जो पीएच का रेगुलेशन है बॉडी में वो किसके द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा नहीं किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोर, व्हेन ए फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड आउटसाइड द यूटेराइन केविटी कॉल्ड, अगर जो फर्टिलाइज्ड ओवम है यूटेराइन केविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाएगा, ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फाइव, इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट मीन्स, स्टेट का क्या मतलब होता है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, गिव इमिडिएटली तुरंत देना मीनिंग होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। बिफोर मील देते हैं उसको बीसी कहते हैं, और आफ्टर मील जो देते हैं उसको एसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिक्स, ब्रूट जींस की साइन एंड कर्निंग साइन आर डायग्नोस्टिक साइन ऑफ, ब्रूट जींस की और कर्निंग साइन है ये मेनिनजाइटिस के डायग्नोस्टिक साइन होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ स्टूल एंड इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, अगर किसी व्यक्ति में इनवॉलेंट्री रूप से स्टूल पास हो रहा है यानी स्टूल पास करने पे कंट्रोल है वो खो दिया है तो उसको क्या कहा जाएगा, फिकल इम्पेकेशन नहीं कहा जाता, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं कहा जाता, फ्लूचेंस भी नहीं कहा जाएगा, उसको फिकल इनकॉन्टिनेंस कहा जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आया है सिक्स एट, और इसमें पूछा गया है हीमोपोइसिस इन एडल्ट टेक्स प्लेस इन, हीमोपोइसिस एडल्ट में कहाँ होता है तो एडल्ट में हीमोपोइसिस बोन मेरो में होता है, ऑप्शन सी राइट जाता है। क्या होता है हीमोपोइसिस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट का जो निर्माण है वो बोन मेरो में होता है एडल्ट में। अगला क्वेश्चन आ गया नाइन, सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन शुड बी इनिशिएटेड इन विच काइंड ऑफ अर्थमिया, यानी किस प्रकार के अर्थमिया में तुरंत सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन है वो किया जाता है, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन में या फिर आट्रियल फिब्रिलेशन में या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, तो ये किया जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब भी दिखाई देता है तो सीपीआर डिफिब्रिलेशन है वो इनिशिएट किया जाता है, ऑप्शन सी राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टेन, द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन आइडिया थॉट एटीट्यूड फीलिंग इज, इंफॉर्मेशन जो कि किसी भी आइडिया थॉट एटीट्यूड या फीलिंग के रूप में होती है उसको क्या कहा जाता है, मैसेज कहा जाता है, इसको मैसेज कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें जो मैसेज को सेंड करता है उसको कहते हैं सेंडर, और उसके बाद में जो रिसीव करता है उसको रिसीवर कहा जाता है, जिस चैनल के द्वारा भेजा जाता है जिस माध्यम के द्वारा उसको चैनल कहा जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है जो कि आइडिया थॉट एटीट्यूड फीलिंग के रूप में होती है उसको मैसेज कहा जाता है, और यहाँ पे रिसीवर के द्वारा वापस कोई रिप्लाई आता है तो उसको फीडबैक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इलेवन, ऑर्गेनिज्म कोजिंग गैस गैंग्रीन इज, किस ऑर्गेनिज्म के कारण गैस गैंग्रीन है वो होती है, गैस गैंग्रीन का कोज कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस है ये कोजेज कोजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, गैस गैंग्रीन का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। पेप स्मियर इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ, पेप स्मियर है वो सीए सर्विक्स यानी कैंसर जो सर्विक्स है उसका डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है, सर्विक्स का कैंसर डायग्नोस करने के लिए पेप स्मियर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लिम्फोमा इज ए डिजीज ऑफ, लिम्फोमा है ये किसकी डिजीज है, ब्लड वेसल्स की नहीं है, लीवर की नहीं है, हार्ट की नहीं है, इम्यून सिस्टम की डिजीज होती है लिम्फोमा, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। लिम्फोमा क्या होता है, कितने टाइप का होता है ये भी देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको जो नॉर्मल लिम्फोमा है वो यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे इस लेडी के यहाँ पे ये लिम्फोमा दिखाई दे रहा है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है, मोस्टली नेक में लिम्फोमा होता है,
यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे नॉर्मल लिम्फोमा का दिखाई दे रहा है, ये एकदम इजीली नॉर्मल लिम्फोमा है, और यहाँ पे जो इनलार्ज कैंसर फील्ड लिम्फोमा है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा समझ लेना, उसके बाद में देख लेते हैं होता क्या है। ए कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फोमा का मतलब है लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर। नेक्स्ट उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे होता है द लिम्फेटिक सिस्टम इज द बॉडीज डिफेंस फाइटिंग नेटवर्क। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम है ये बॉडी का डिफेंस फाइटिंग नेटवर्क है, इसीलिए ऊपर अपने क्वेश्चन में बात करे थे कि जो लिम्फिमा है वो इम्यून सिस्टम की डिजीज है। अब आगे आ जाता है, इट इंक्लूड्स लिम्फ नोड, इसमें लिम्फ नोड भी शामिल होता है, स्प्लीन थाइमस ग्लैंड एंड बोन मेरो शामिल होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। द मेन टाइप ऑफ लिम्फोमा आर होजकिंग्स लिम्फोमा एंड नॉन होजकिंग लिम्फोमा। होजकिंग्स लिम्फोमा और नॉन होजकिंग्स लिम्फोमा है, ये दो टाइप होते हैं लिम्फोमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 15, द फॉलोइंग पोजिशन इज यूज टू रिलीव डिसनिया इन ए पेशेंट। किसी पेशेंट में डिसनिया की कंडीशन हो जाती है तो उसको रिलीव करने के लिए, उसमें रिलीफ देने के लिए कौन सी पोजिशन यूज की जाती है? फाउलर पोजिशन यूज की जाती है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। आइडियल फाउलर पोजीशन है वो क्या होती है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पेशेंट आपको फाउलर पोजीशन में दिखाई दे रहा है और जो बेड का हेड एंड है वो लगभग 60 डिग्री यहाँ पे आपको रेज दिखाई दे रहा है। तो गाइज आपको यहाँ पे एक ध्यान दे लेना है, स्टैंडर्ड जो फाउलर पोजीशन होती है हेड ऑफ द बेड रेज्ड 45 to 60 डिग्री, 45 डिग्री से 60 डिग्री है वो स्टैंडर्ड फाउलर पोजीशन में बेड का जो हेड एंड है वो रेज किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16, विच वन इज ए नार्कोटिक ड्रग, निम्न में से नार्कोटिक ड्रग्स कौन है? कोडीन नार्कोटिक ड्रग होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द हार्ट डिजीज इज ए साइनोटिक हार्ट डिजीज, निम्न जो हार्ट डिजीज दी गई है उनमें साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है? साइनोटिक एसाइनोटिक दो होती है, नीचे बात करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है टेट्रालोजी ऑफ फिलेट है वो यहाँ पे साइनोटिक हार्ट डिजीज है, बाकी जो पेक्टस डक्टस आर्टियोसिस वगैरह ये तीनों जो ऑप्शंस है ये एसाइनोटिक डिजीज होती है। और कौन कौन सी साइनोटिक और एसाइनोटिक डिजीज है ये भी देख लेते हैं। तो गाइज ये याद रखना है, एम्स में हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और टेट्रालोजी ऑफ फिलेट है, इसका क्या मेन सिम्टम्स एक्सरे में देखने को मिलता है वो भी अपने आगे बात करेंगे। तो वीडियो में आपको बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको लाइक और फॉलो भी करना है, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मेरा बेल आइकन भी दबाना है। तो बात करें साइनोटिक डिजीज की, साइनोटिक डिजीज होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फिलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज एंड ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में क्या आता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी VSD, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट यानी ASD, पेटेंट डक्टस आर्टरीसेस यानी PDA, और आगे आता है को एरेक्शन ऑफ एरोटा एंड एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस, ये सारी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में आती है। ये याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए ये शामिल किया है। एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज इज कॉल्ड, जो सर्जिकल वुंड है उसके जो एज है किनारे हैं वो अगर ओपन हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? वुंड एविसरेशन या वुंड डेहिसेंस। तो गाइज यहाँ पे जो वुंड है उसके किनारे अगर ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं तो उसको वुंड डेहिसेंस कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। एविसरेशन क्या होता है ये भी देख लेते हैं, और यहाँ पे आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे ये सर्जिकल वुंड का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये सर्जिकल वुंड है, स्टिचिंग यहाँ पे लगे हुए आपको दिखाई दे रही है, ये जो एज है वुंड के वो ओपन हो गए हैं, इस सिचुएशन को कहा जाता है डेहिसेंस, यहाँ पे दिखाया गया है। और ये एज ओपन होकर इस एज के द्वारा यहाँ पे जो एजेज है वुंड के वो ओपन होकर उसमें से जो इंटरनल ऑर्गन है वो अगर प्रोड्यूस हो जाए, वो बाहर आ जाए तो इसको एविसरेशन कहा जाता है। ये चीज अपने को ध्यान में रख लेनी है, यानी वुंड के जो एज है वो ओपन हो तो डेहिसेंस है, और उसमें से अगर इंटरनल ऑर्गन बाहर निकल जाए तो उसको एविसरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आ गया है, डिस्टेंस ऑफ रीनल पेल्विस कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल यूरिन फ्लो इज कार्ड, अगर
नॉर्मल यूरिन फ्लो में डिस्टेंशन आ जाए, कोई सॉरी नॉर्मल यूरिन फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जो रिनल कैलकुलाई या किसी भी वजह से हो सकता है, तो उसको फिर क्या सिचुएशन हो जाएगी, क्या कहा जाएगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस है वो, इस सिचुएशन को कहा जाता है। किडनी की जो डिस्टेंशन हो जाता है यहाँ पे, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल किडनी आपको दिखाई दे रहा है और रिनल पेल्विस है ये भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको यूरेटर है, जो नॉर्मल यूरिन फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से जो रिनल पेल्विस है इसका डिस्टेंडेंट हो गया है, ये डिस्टेंडेंट हो गया है और किडनी भी डिस्टेंडेंट हो गई है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये चीजें ध्यान में रख लेनी है, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट केयर हैज टू बी टेकन बाय ए पेशेंट आफ्टर मेस्टेक्टोमी? मेस्टेक्टोमी करने के बाद में क्या केयर है वो पेशेंट को करनी चाहिए? टेकन बीपी ऑन द हैंड, ईटिंग लॉट्स ऑफ डेयरी फ्रूड, डू गार्डनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी, यानी हार्ड एक्टिविटी है, हार्ड एक्सरसाइज है वो नहीं करनी चाहिए मेस्टेक्टोमी करने के बाद में, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 21, फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट, नीचे दिए गए सभी हेल्थ के डायमेंशन है किसी एक को छोड़कर। मेंटल, सोशल, फिजिकल है हेल्थ के डायमेंशन होते हैं, जबकि फाइनेंशियल नहीं होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। और कौन कौन से डायमेंशन होते हैं और यहाँ पे होता है हेल्थ के जो डायमेंशन, उनमें फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड जो अपने बात कर चुके हैं सोशल एंड मेंटल, ये हेल्थ के डायमेंशन है। फीडिंग, ए फीडिंग प्रॉब्लम अमंग इन्फेंट्स, इन्फेंट में कौन सी फीडिंग प्रॉब्लम कॉमन होती है? चोकिंग, हिकप्स, एस्पिरेशन नहीं होता है, जबकि रीगर्गिटेशन है ये कॉमन होती है इन्फेंट में फीडिंग प्रॉब्लम, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। क्या होता है रीगर्गिटेशन में? एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग स्वॉल्ड फूड अप अगेन टू माउथ, यानी जो निगल लिया गया फूड है स्टोमक में से वो वापस माउथ में आ जाता है, ये रीगर्गिटेशन होता है। इन्फेंट्स में सबसे ज्यादा होता है जबकि एडल्ट में बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सर्विस प्लस एजुकेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, डाटा प्लस नॉलेज प्लस इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। डाटा प्लस नॉलेज प्लस इन्फॉर्मेशन है ये नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24, और इसमें पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, व्हेन ए पेशेंट टेल्स द नर्स दैट ही इज कूल टू अंडरगो सर्जरी विद हिज बॉडी रिजिड एंड शार्प वॉइस, ए नर्स कैन इंटरप्रेट दैट ही इज एनजीएस एज एविडेंस बाय द बॉडी लैंग्वेज विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज, यानी एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, तो पेशेंट की जो बॉडी है वो रिजिड हो जाती है, वॉइस शार्प हो जाती है, और उससे नर्स को पता चलता है कि जो यहाँ पे पेशेंट है वो एंजाइटी फील कर रहा है, एंजियस हो गया है, तो इसमें कौन सी कम्युनिकेशन है वो यूज की जाती है ताकि उसकी एंजाइटी रिलीव हो जाए। वर्बल कम्युनिकेशन है वो यूज किया जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल सिंबोलिक मेटा कम्युनिकेशन यूज नहीं किया जाएगा, ये चीज़ याद रख लेनी है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 25, माल प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माल प्रैक्टिस है ये किसका एग्जाम्पल है? असोल्ट का नहीं है, इंटेंशनल टोर्ट का नहीं है, बेटरी का नहीं है, अन इंटेंशनल टोर्ट का जो एग्जाम्पल है वो है माल प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस है वो अन इंटेंशनल टोर्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज 26, डिस्टोसिया इज, डिस्टोसिया क्या है? एबनॉर्मल लेबर है उसको डिस्टोसिया कहा जाता है, एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया कहा जाता है, एबनॉर्मल या फिर जिसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी कहा जाएगा डिस्टोसिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है 27, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्राइजेज ऑफ, लेबर की जो थर्ड स्टेज होती है उसमें क्या होता है? पार्ट फर्स्ट में मैंने कहा था कि लेबर के स्टेज के बारे में बात करेंगे, तो ये चीज़ें आ गई है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो गाइज लेबर की थर्ड स्टेज होती है उसमें सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटल सेपरेशन होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। अब जो लेबर की चार स्टेज है उनमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो लेबर की स्टेज फर्स्ट होती है कितने टाइम की होती है, प्रीमी ग्रेविटा मल्टी ग्रेविटा में ये भी देखेंगे। इट स्टार्ट फ्रॉम ऑन सेट ऑफ ट्रू लेबर पेन,
जो फर्स्ट स्टेज है ट्रू लेबर पेन के स्टार्ट होने से स्टार्ट हो जाती है एंड विद फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और जो सर्विक्स का फुल डायलेशन होता है तब खत्म हो जाती है। इट एवरेज ड्यूरेशन 12 आवर इन प्रीमी ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा में 12 घंटे की, एंड 6 आवर इन मल्टी ग्रेविडा, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में जो लेबर पेन स्टार्ट होता है ट्रू लेबर पेन, वहाँ से लेकर सर्विस का फुल डायलेशन होता है वो फर्स्ट स्टेज होती है, और यहाँ पे जो प्रीमी ग्रेविडा में 12 घंटे की, मल्टी ग्रेविडा में यहाँ पे 6 घंटे की होती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में होता ये है, इट स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड्स विद एक्सपल्सन ऑफ फिटस फ्रॉम द बर्थ केनाल, यानी सर्विक्स का फुल डायलेशन से शुरू होकर फिटस का जन्म होना, फिटस का एक्सपल्सन होने तक सेकेंड स्टेज है वो होती है, याद रख लेता है। थर्ड में क्या होता है, इट बिगिंस आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फिटस, फिटस के जन्म के बाद में स्टार्ट होती है, विद एंड विद एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, और ये खत्म कब होती है, थर्ड स्टेज क्वेश्चन में भी पूछा गया है, यानी जो फिटस का जन्म है तब शुरू होती है और प्लेसेंटा का एक्सपल्सन हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तब ये खत्म हो जाती है। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इट इज ए स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एट लीस्ट 1 आवर आफ्टर एक्सपल्सन, यानी फिटस और यहाँ पे जो प्लेसेंटा एक्सपल्सन हो जाता है, प्लेसेंटा एक्सपल्सन हो जाता है, प्लेसेंटा निकल जाता है, डिलीवरी हो जाती है प्लेसेंटा की, उसके 1 घंटे बाद में ऑब्जर्वेशन पीरियड रखा जाता है, इसको फोर्थ स्टेज कहा जाता है। आई होप सारी चीजें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आइडेंटिफाई 8 रिस्क इन्फेंट फ्रॉम फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो इन्फेंट्स हैं उनमें से 8 रिस्क इन्फेंट्स कौन सा है, इन्फेंट विद डायरिया, माल नरिश बेबी, लो बर्थ वेट या डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो लो बर्थ वेट बेबी है ये 8 रिस्क इन्फेंट माना जाएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें ऑप्शन सी राइट हो जाए। कैपेसिटी ऑफ ए माइक्रोब टू कोज डिजीज इज नोन एज, यानी जो माइक्रोब्स हैं उनको डिजीज उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है उसको किस नाम से जाना जाता है, पैथोजेनेसिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 30, और इसमें अपने सामने पूछा गया है ए स्ट्रक्चर विच इज इन डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, यानी वो स्ट्रक्चर जो स्किन की डर्मिस लेयर में होती है। तो स्किन की यहाँ पे 2 लेयर होती है, ऊपर होती है एपिडर्मिस और नीचे होती है डर्मिस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डर्मिस में कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड्स है, पसीने की जो ग्लैंड्स है वो स्किन की डर्मिस लेयर में होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी PEM स्कैन है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, एंडोक्राइन टेस्ट नहीं है, ब्रेन इमेजिंग टेस्ट है, यानी बॉडी मैपिंग का टेस्ट होता है, ब्रेन इमेजिंग यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी होता ये क्या है, बॉडी मैपिंग टेस्ट होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 32, हु डेवलप्ड द मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड बाई बैक्टीरिया, भोजन को बैक्टीरिया से नष्ट होने से बचाने के लिए पाश्चराइजेशन की जो टेक्निक है, मेथड है, उसको किसने डेवलप किया, एडवर्ड जेनर ने किया, जोसेफ लिस्टर ने किया, रॉबर्ट कोच ने नहीं किया, लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन की जो टेक्निक है, मेथड है, वो डेवलप किया था, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने किया स्मॉल वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट, जोसेफ लिस्टर कौन है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, रॉबर्ट कोच कौन है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 33, इन विच डिजीज कंडीशन ए बेस्ट, इन विच कंडीशन ऑफ ए, इन विच कंडीशन, इन विच डिजीज कंडीशन ए बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन चेस्ट एक्सरे, यानी अपने जो अपने पहले बात करे थे टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट की पीछे के क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि जो चेस्ट एक्सरे अगर किया जाए और उसमें हार्ट की शेप है वो बूट शेप आपको दिखाई दे, हार्ट की जो शेप है वो बूट शेप्स दिखाई दे, यानी आपका जो सूज है उसकी शेप अगर दिखाई दे चेस्ट एक्सरे में, तो ये किस कंडीशन में होता है, किस डिजीज कंडीशन में होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में होता है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट है, उसमें अगर आप हार्ट चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो यहाँ पे जो हार्ट है वो आपको बूट शेप का दिखाई देगा, ये चीजें याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
ए बेटर मेथड ऑफ टीचिंग इंट्रावीनस कैनुलेशन इज इंट्रावीनस कैनुला लगाने की जो टेक्निक है इसको पढ़ाने का बेटर मेथड कौन सा होता है, डेमोस्ट्रेशन है, ये चीजें करके दिखाई जाए तो सबसे अच्छी होती है। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल क्या है, पटेला है वो सिस्मोइड बोन होती है, पटेला जो है वो सिस्मोइड बोन होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेजार्ड, ऑक्यूपेशनल हेजार्ड का एग्जाम्पल क्या है, सिलिकोसिस यहाँ पे जो डिजीज है वो ऑक्यूपेशनल हेजार्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। क्या होता है सिलिकोसिस, सिलिकोसिस होता है लंग फाइब्रोसिस कोज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट कंटेनिंग सिलिका, यानी जो माइंस में काम करते हैं, खानों में जो काम करते हैं लोग, उनकी खानों की जो माइंस की डस्ट है वो अगर इनहेल हो जाए लंबे टाइम तक, उससे लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, इसी को सिलिकोसिस कहा जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नूल हाइपोथिसिस, नूल हाइपोथिसिस का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथिसिस, रिसर्च हाइपोथिसिस, स्टैटिकल हाइपोथिसिस या साइंटिफिक हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो गाइस जो नूल हाइपोथेसिस है उसका दूसरा नाम होता है स्टैटिकल हाइपोथेसिस, याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंफर्ट डिवाइस प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप ऑफ ए बेड रिडन पेशेंट, यानी जो लंबे टाइम तक बेड रिडन पेशेंट्स है उनका एक्सटर्नल हिप रोटेशन रोकने के लिए कौन सी कंफर्ट डिवाइस है वो काम की होती है। ट्रेपेज बार नहीं है, हैंड रोल नहीं है, सैंड बैग्स भी नहीं है, ट्रोकेंटर रोल्स है, ये यूजफुल होते हैं बेड रिडन पेशेंट्स में जो हिप है उसका एक्सटर्नल रोटेशन रोकने के लिए, ट्रोकेंटर रोल्स ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 39, द ऑब्जर्वेबल टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट्स, यानी जो आइसबर्ग थ्योरी है उसमें जो ऑब्जर्वेबल टिप होता है आइस का, यानी जो ऊपर दिखने वाला पार्ट्स होता है, ये किसको रिप्रेजेंट्स करता है, क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल जो केस है, जिन केस को फाइंड आउट किया जा चुका है उनको रिप्रेजेंट करता है। गाइस यहाँ पे जो आइसबर्ग थ्योरी होती थी आपको याद होगा शायद, जैसे इस तरह से है और ये जो आइसबर्ग बड़ा सा होता है इसमें यहाँ पे छोटा सा जो पार्ट है वो ऊपर दिखाई देता है, ये क्लिनिकल डायग्नोस्ट केस होते हैं, और जो आइसबर्ग यानी आइसबर्ग का आइस का जो समुद्र के नीचे का पार्ट्स होता है, सी के नीचे का जो दिखाई नहीं देता वो होते हैं अननोन केसेज। ये दोनों चीजें याद रख लेंगे, जो दिखाई नहीं देता है अनऑब्जर्वेबल टिप होता है वो होता है अननोन केसेज, और जो ऑब्जर्वेबल यानी आइसबर्ग का जो पार्ट्स देखा जा सकता है उनको क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल केसेज के नाम से जाना जाएगा। कापोसी सार्कोमा इज सीन इन, कापोसी सार्कोमा है ये किस में देखा जाता है, एड्स में देखा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। क्या होता है और क्यों देखा जाता है ये देख लेते हैं, कैंसर दैट कॉज लेजन इन द सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर होता है कापोसी सार्कोमा, और देख ले कापोसी सार्कोमा कॉज लेजन टू ग्रो इन द स्किन लिम्फ नोड्स इंटरनल ऑर्गन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग इन माउथ नोज थ्रोट, इट ऑफन अफेक्ट पीपल विद इम्यून डिफिशियंसी सच एज HIV एड्स, यानी जिनकी इम्यून डिफिशियंसी होगी है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया जैसे HIV एड्स में, उनमें कापोसी सार्कोमा देखने को मिलता है, ये एक टाइप का सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर है। तो गाइज आज हो गए हैं 40 क्वेश्चंस, जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू फ्रेंड्स।